टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया और अब हरियाणा के सभी सूरमा अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। देश के स्टार पहलवान और टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया भी बीती रात को दिल्ली एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचे, जहां पर उनके पहुंचने की खबर मिलते ही खेल प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। जब बजरंग घर पहुंचे तो उनकी माँ और भाभी ने चूरमा खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर खेल प्रेमियों का हुजूम बजरंग के घर पर देखने को मिला। बजरंग पुनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पैर में चोट होने के चलते कांस्य पदक से संतुष्ट हूं, लेकिन देश को मुझसे गोल्ड की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर मैं खरा नहीं उतर पाया और अब आगे मैं और मेहनत करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब कुश्ती अकेडमी खोलकर अपने जैसे और खिलाड़ी तैयार करने हैं। चोट के बाद इसी चीज से मतलब एक संतुष्टि है, चोट के बाद हमने मेडल जीता है, नहीं तो ब्रोंज से संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सभी देशवासी गोल्ड की उम्मीद लगा रहे थे और मैं भी गोल्ड के लिए गया था कि भाई जो देशवासी मुझसे उम्मीद करे उस पर मैं खड़ा होते थे। आगे की क्या तैयारियां हैं बजरंग भाई? अभी अब डॉक्टर से मिलूंगा, अभी जैसे भी फ्री होता हूँ मैं डॉक्टर से बात करके कितना रेस्ट करना, रिहैब करना है, उसके बाद ट्रेनिंग दोबारा। कितना समय और लगेगा रिहैब होने में? अभी वो डॉक्टर से मिलने के बाद पता चलेगा, क्योंकि पहले 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का रेस्ट बोला था। जश्न मनाया गया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है आज घर पे, उसको लेकर किस तरह से अभी पहली बार? बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है, दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है, तो बहुत खुशी है और यही चीज़ें जो एक खिलाड़ी को दोबारा से ऊर्जा बढ़ती है कि दो आपको और अच्छा करना है, क्योंकि देशवासी आपको इतना प्यार सम्मान दे रहे हैं। बजरंग भाई आज सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं, नमन और यूवी ने भी आपके लिए एक फोटो बनाया है और संगीता भी आपसे नहीं बताया कि संगीता भी आ रही है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल भाई बड़ा अच्छा लग रहा है और क्योंकि बहुत दिनों बाद फैमिली के पास आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आने वाले भविष्य में आपने जैसे खिलाड़ियों को किस तरह से तैयार करोगे? देखिए अभी तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और मैं मेरा जब तक मेरा जो मानना है, मैं अपनी एकेडमी करके और खिलाड़ियों में जब मैं जो मेरा अनुभव है जो मैंने सीखा है वो मैं दूसरे खिलाड़ियों को सिखाऊंगा। बता दें कि एक पैर में चोट होने के बावजूद देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने खेल प्रेमियों को निराश नहीं किया और देश के लिए टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर अपनी खेल भावना का परिचय दिया और बीती शाम को बजरंग पुनिया टोक्यो से स्वदेश लौटे हैं। और इस मौके पर बजरंग के सोनीपत आवास पर जश्न का माहौल देखने को मिला। जब बजरंग पुनिया अपने घर आए तो उनकी माँ भाभी और उनकी पत्नी संगीता ने उन्हें चूरमा खिलाकर उनका स्वागत किया। बैंगलोर से घर पहुंचे भाभी बजरंग का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, कुछ ही देर में घर पहुंचने वाला जी। कितनी खुशी आज जिस तरह बजरंग कांस्य पद लेकर देश लौटा है। खुशी से आप देख रहे होंगे कि घर में कैसा माहौल है, कैसे मतलब डीजे वगैरह लगा हुआ है और कुछ मतलब एक ओलंपिक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वहाँ से मेडल लेके आ रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा और उम्मीद थी कि बेटर और करें, लेकिन हम मेडल से बहुत खुश हैं। इंजरी होने के बावजूद भी बजरंग मैदान पे रहे और देश को एक पद लाकर दिया है। देखिए इंजरी मतलब खिलाड़ी को हम कह नहीं सकते कब किस टाइम इंजरी हो जाए, उसको बचाते हुए हम अपना गेम खेलते हैं, लेकिन जब किस्मत में होता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से बजरंग ने गेम खेला है इंजरी होने के बावजूद मैं तो उसको काफ़ी अच्छा मानती हूँ, एज ए रेसलर मैं उसको देखूँ तो काफ़ी अच्छा किया उन्होंने और बैड लक था कि उनको इंजरी हो इस टाइम पे, नेक्स्ट टाइम और बेटर करेंगे। 2024 का लक्ष्य लेकर बजरंग अब चल रहे हैं, किस तरह आप उनका साथ देंगे? देखिए मैं भी एक खुद रेसलर हूँ और हम दोनों पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और अच्छा थोड़ा जिसमें जो कमी रही है जो कुछ भी और भी टेक्निक वगैरह में उसमें और सुधार करेंगे और माइंड से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होके जाएंगे अपनी बात। 2024 में माने की गोल्ड लेकर आएगा बजरंग देश के लिए? देखिए कोशिश पूरी रहेगी बिल्कुल, उससे दुगनी मेहनत करेंगे और बिल्कुल फोकस से वो रहेगा कि और उसका रंग बदले जरूर मेडल का। बजरंग पुनिया के कांस्य पदक जीतने के बाद उनकी जीवन संगिनी संगीता फोगाट पुनिया ने कहा कि ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म से मेडल लेकर बजरंग वापस आया है, जिसके चलते घर और देश में जश्न का माहौल है। उनसे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, लेकिन पैर में चोट के चलते उन्होंने फिर भी देश को कांस्य पदक दिलाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं और बजरंग दोनों पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और हमें उम्मीद है कि अगले ओलंपिक में बजरंग देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।